चाची मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, फिर पालक और बीजल को स्कूल भी तो लेने जाना है। हाँ बेटा, तो यहाँ क्यों बैठ गया समीर? अपने कमरे में चलकर आराम कर लेता, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तेरा। माँ कुछ नहीं हुआ ऐसे, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बस। तुमने बात की ना खुद डॉक्टर से, सब ठीक है, इतनी चिंता मत करो। कैसी चिंता ना करो परिमल, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था इसका, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो अब माँ ने बचा लिया वरना। माम बहुत ही मामूली सा एक्सीडेंट था, बाइक बहुत ही स्लो स्पीड में थी, मैं पार्क करने जा रहा था कि सामने पत्थर आ गया और बैलेंस बिगड़ गया। प्लीज अब रोना बंद कर। कैसे रोना बंद करूं समीर, तू नहीं जानता जब हॉस्पिटल से फोन आया था तब मुझ पे क्या गुजरी थी। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, प्लीज रोना बंद करो। मैं हो जाऊंगा। चाची शांत हो जाइए, लीजिए पानी पीजिए। समीर शांत हो जाइए चाची, माँ अंबी की कृपा से समीर अब बिल्कुल ठीक है। इस तरह रो के अपना बीपी मत बढ़ाइए। हेलमेट क्यों नहीं पहना था तूने? माँ सॉरी, हेलमेट मेरे पास ही था लेकिन टेंशन में पहनना भूल गया। कब से तुम दोनों को रास्ते भर यही तो पूछती आ रही हो कि पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो तू इतना परेशान होके निकला वहां से? अब पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ, पर तुमसे किसने कह दिया कि मैं पार्टी से परेशान होके निकला था? समीर अभी अभी तूने तो कहा कि परेशानी की वजह से तूने हेलमेट नहीं पहना। वो तो भैया स्लिप ऑफ टंग था। झूठ मत बोल समीर, सुबह मुझे उदय ने भी कहा था कि तू वहां से परेशान होके निकला था। बताओ मुझे क्या बात थी? ओ हेलो, ये क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों के बीच में? कोई बताएगा साफ साफ कि पार्टी में क्या हुआ था? 2 मिनट चैन से बैठ के टीवी देखना चाहता था लेकिन आप लोगों को गवारा ही नहीं है। पार्टी में क्या हुआ था, क्यों हुआ था? भैया मैं कोई बच्चा हूं जो आप मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो? पार्टी में जो भी हुआ वो मेरी खुद की लाइफ है, इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। समीर सब आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी,
तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा तुम्हारी नाक और बटन दबा दूंगा मैं उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी लेकिन मैं बता रही हूँ ना ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं अभी